सो फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर मुझे शिवा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज एवरी एक्शन एवरी थाट दैट कम्स इन आर ब्रेन इज फंडामेंटली एक बहुत बेसिक लेवल पे फियर ऑफ डेथ से आ रहा है विच इज़ वाई आई थिंक ऑल ऑफ न्यूरोसाइंस इज बेस्ड ऑन शिवा एवरी थिंग दैट यू एवर वॉन्टेड आप जो भी चाहते हो एवरी थिंग कम्स फ्राम दैट सेंस ऑफ मै

जरूरी और पावरफुल एपिसोड है क्योंकि दोनों स्पिरिचुअलिटी और साइंस की बातें साथ में हुई एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ एक साइंस ओरिएंटेड शख्सियत के साथ हमने शिवजी के बारे में बात किया हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात किया और हमने मेडिटेशन योगा जैसी चीजों के बारे में बात किया फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ ब्रेन एवोल्यूशन आपके दिमाग पर आपके जिंदगी पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ता है साइंटिफिकली स्पीकिंग योगा आज पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है कुछ साइंटिफिक रीजंस की वजह से उन्हें एक्सप्लोर किया गया है इस एपिसोड में साइंटिफिक परस्पेक्टिव से अगर आपको मेडिटेशन सीखना है हमने आपके लिए एक मेडिटेशन ऐप बनाई है लेवल सुपर माइंड उसे नीचे लिंक किया है ज़रूर डाउनलोड कीजिए उसका फ्री ट्रायल का इस्तेमाल कीजिए खुद के दिमाग को एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपके दिमाग की कैपेसिटी और दिमाग का पावर इंक्रीज हो जाए ये डॉक्टर सेडवॉरियर टी आर एस हिंदी पर इस एपिसोड को आपको बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि इतना ज्यादा पावर पैक्ट और इन्फॉर्मेशन पैक्ट एपिसोड है एंजॉय टी आर एस हिंदी डॉक्टर सिड वॉरिया आपका स्वागत है टी आर एस हिंदी के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आप कैसे हो सर वेरी गुड थैंक यू सो मच रणवीर फॉर हैविंग मी इट्स एन ऑनर पिछली बार आ, हमने तीन इंग्लिश पॉडकास्ट करे तीनों न्यूरो साइंस के ऊपर थे right. चौथा एक पॉडकास्ट बनाया था पॉन और मैस्टेबेशन के बारे में हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हो सके तो इस पॉडकास्ट से पहले उस पॉडकास्ट को देख लीजिए पर इस पॉडकास्ट का टॉपिक है इस एपिसोड का टॉपिक है हाउ टू हैक योर ओन माइंड एंड बॉडी टू बिकम शिवा अगर आपको शिवा जैसे बनना है अगर आपको खुद की एवोल्यूशन चाहिए तो एवरी वन शुड नो कि इट इज़ अचीवेबल हमारे साथ है डॉक्टर सिड वॉरियर जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है क्या फील हो रहा है आज फीलिंग वेरी गुड्स अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस बहुत <laughs> मजा आ रहा है सेकेंड uh, टाइम करते हुए तो और भी कम्फर्टिंग लग रहा है इस, ऐसा लग रहा है कि पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं तो बहुत hmm. अच्छा लग रहा है ब्यूटिफुल okay, आपसे एक इंसान के बारे में बात करना चाहूंगा डॉक्टर एंड्रू ह्यूबमन uh, मैं भी उन पर फैन बॉय करता हूँ आप भी उन पर फैन बॉय करते बता दीजिए ऑडियंस को एंड्रू ह्यूबर्मन है कौन और उनका सब्जेक्ट uh, किन चीजों से रिलेटेड होता है तो एंड्रू ह्यूबमेन प्रोफेसर है न्यूरो साइंस का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में uh, वो ऐसा प्रोफेसर है जो आप सबको फॉलो करना चाहिए hmm. आ, उनका पॉडकास्ट है ह्यूबर्मन लैब पॉडकास्ट नाम से और वो ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हम सबके साथ रिलेटेड है जैसे कि अटेंशन हो फोकस हो टाइम कैसे मैनेज करना है हमारे ब्रेन में एंगर कैसे मैनेज करना है ही टॉक्स अबाउट टॉपिक्स लाइक ए तो जिनको ज़्यादा अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स होते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है ही टॉक्स अबाउट हमारे एक्सरसाइज रेजिमेंट में कौन से फूड्स ब्रेन को अफेक्ट करता है कौन सा एक्सरसाइज किस तरह से ब्रेन को अफेक्ट करता है ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम सबको अफेक्ट करता है और वो uh, बहुत डिटेल में बात करते हैं सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉडकास्ट टू फॉलो ओके और टॉपिक को स्विच करना चाहूँगा hmm. uh, अगर आप एंशेंट इंडियन कल्चर को स्टडी करें तो बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी गई है शास्त्र लिखे गए हैं जहाँ ऐसे लाइफ हैक्स भी हैं Right. वो आ, अगर आपको योगा सीखनी है आपको योग सूत्र पढ़ने चाहिए योग सूत्र पतंजलि right. अगर आपको मान लो साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा सीखना है तो कहते हैं कि भगवत गीता में श्रीमाद भगवत में बहुत सारे साइकोलॉजी हैक्स हैं क्योंकि आप डॉक्टर हो पर आपने इन चीजों को भी थोड़ा रिसर्च किया डू यू अग्री कि इंडिया के एंशंट कल्चर में बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चीजें हैं आई वुड से यस बिकॉज मेरे दिमाग में ये हार्ड प्रॉब्लम्स और सॉफ्ट प्रॉब्लम्स करके मैं सोचता हूँ देर आर सम थिंग्स जो हार्ड प्रॉब्लम्स है जैसे कि हमारा जो मेंटल स्टेट है फोकस कैसे करना है हु आर वी हम यहाँ पे क्यों आए हैं ये सारे प्रॉब्लम्स 2022 के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं है 2000 थाउजेंड ई ईयर्स को फाइव थाउजेंड ईयर्स को ये प्रॉब्लम्स तभी भी थे एंड एनी थिंकिंग सिविलाइजेशन कोई भी सिविलाइजेशन अगर डेवलप हुआ हो और उसमें लिटरेचर आया है थिंकिंग स्पिरिचुअल लीडर्स थाट लीडर्स आए हैं तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन होना इनएविटेबल हो जाता है और उस टाइम का डिस्कशन का रिजल्ट है ऑल दीज बुक्स राइट सो आई फील दैट उसको ना पढ़ना और उसमें से लेसन्स ना सीखना इज अ वेस्ट वी आर मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स इसके बारे में सोचा गया है लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एक्सप्लेनेशन हमारे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के साइंस के मुताबिक ही हो बट hmm. उनका इंटरप्रिटेशन शायद करेक्ट हो सकता हो सो वैन आई रेड भगवद गीता आई रेड इट थ्री टाइम्स मैंने पहली बार पढ़ा था वेन आई वॉज एटीन सेकेंड टाइम मैंने पढ़ा था वैन आई वॉज अराउंड ट्वेंटी फोर एंड थर्ड टाइम आई रेड इट वैन आई वॉज थर्टी टू एवरी टाइम आई रेडिट मुझे बुक का मीनिंग कुछ अलग समझ में आया और एक रीज़न हो सकता है कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज हुए हो हु, मैं खुद चेंज हुआ हो हु। दूसरा रीज़न हो सकता है कि मेरा नॉलेज लेवल चेंज हुआ तो एज एन एटीन ईयर ओल्ड मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था एज ए ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड मुझे थोड़ा बहुत पता था बॉडी के बारे में एज ए थर्टी टू ईयर ओल्ड एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं जब भगवत गीता में ऐसा लाइन पढ़ता हूं कि आपके सेंसेस के ऊपर प्लेजर डिपेंड होता है मैं सोच रहा हूं मेरे सेंसरी कॉर्टेक्स से, से कैसे डोपमीन नेटवर्क एक्टिवेट हो रहे हैं ओके okay, ये लाइन को ले लेते हैं ठीक okay. है क्योंकि मैंने पूरी भगवत गीता को नहीं पढ़ा है mm -hmm. पर हैव रेड दीज पार्ट्स यही सेंसरी प्लेजर्स okay. सेंसेस से दूर रहिए सेंसेस एक बहुत ही की टॉपिक है गीता के अंदर Yeah. और आई थिंक इस पर हमने चर्चा की थी पिछले पॉडकास्ट में वो एडिक्शन वाले पॉडकास्ट में पर जल्दी से ये समझा दीजिए कि डोपोमिन सिस्टम क्या होता है ये थोड़ा रिविजन है पिछले पॉडकास्ट का तो हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है ओवर द लास्ट टू बिलियन इयर्स ओके हुँ. तो धीरे धीरे से इवॉल्व होते होते गया है नीचे से ऊपर तक तो अगर आप स्पाइन से लेके नेक से लेके ऊपर तक फोरहेड तक सोचोगे तो वो ब्रेन का एवोल्यूशन का डायरेक्शन हुआ जी समवेयर अलोंग द वे स्पाइन के ऊपर एक एरिया डेवलप हुआ जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं एक एक मिनट डॉक्टर जब आप ये कह रहे हो स्पाइन से इवॉल्व uh, हुए हम मतलब पहले के जो अमीबा uh, थे या लोअर ऑर्गेनिजम उनकी सिर्फ एक स्पाइन होती थी वो पहले बनी फिर ब्रेन uh, बनी विद टाइम या आप कह रहे हो कि जब आप एक फीटस होते हो जब एक स्पर्म और ओवा uh, फ्यूज होते हैं और जब आप किसी के कोक में फॉर्म हो रहे हो तो पहले आपकी स्पाइन फॉर्म होती है दोनों तरफ से आप करेक्ट बोल रहे हो ओके होली मतलब मैं मैं बोलू, दो बिलियन ईयर शुरुआत के जो ऑर्गेनिजम्स है अमीबा जो बैक्टीरिया वायरसेस उनमें स्पाइन भी नहीं था hmm. शुरुआत के ऑर्गेनिज्म को इनवर्टिब्रेट कहते थे मतलब उनको स्पाइन नहीं है मतलब स्पाइनल कॉलम नहीं है फिर धीरे धीरे वो स्पाइनल कॉलम आ गया और स्पाइनल कॉलम का हेड और टेल का कुछ फर्क नहीं था फिर धीरे धीरे स्पाइनल कॉलम का एक हेड आ गया और एक टेल आ गया hmm. और वो हेड इवॉल्व होते होते ब्रेन बन गया ओके। okay. तो इससे ऑर्गेनिज्म या वो क्रीचर को एक डायरेक्शन मिल गया कि मैं इस तरह फेस कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है hmm. और उसमें उसके बाद डेवलप हुआ सेंसेस बिकॉज आप सोचोगे तो सेंसिस का मतलब क्या है वॉट इज द पॉइंट ऑफ दें यू नीड टू नो कि आपके अगल बगल क्या है अल्टीमेटली hmm. वही है क्योंकि खतरा हो सकता है खतरा हो सकता है एक और दूसरा है कि मैं खाना कहाँ से लू hmm. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को वही एक मेन पर्पज है कि मुझे खाना चाहिए तो खाने के लिए मुझे ढूंढना है ढूंढने के लिए मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट इज सेंसिस तो जैसे ही हेड बन गया हेड के अंदर आँख आ गए कान आ गए सारे सेंसेस आ गए सो दैट वी कैन मूव और और एक तीसरी चीज भी हुई yes. आ, उन सेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कोई सेक्सी इंसान है या नहीं क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को सेक्स करना है रिप्रोड्यूस करना है yes. आ, और अ चलो फिर आप कंटिन्यू कीजिए मुझे बस यही कहना था <laughs> तो आपको जो सेक्स बोलते हो जो प्लेजर मिला उसको डोपामाइन कहते हैं जी ठीक है और वही डोपामाइन स्पाइक ऑर्गेनिजम्स को भी मिलता है जब उनको खाना मिलता है जब उनको सेक्स मिलता है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं जब उनको आ, स्पीशीज को बढ़ाने का चांस मिलता है तो वो डोपामाइन इज लाइक अ एवोल्यूशनरी ब्राइब ओके तो ब्राइब क्या होता है कि चलो ये ले लो दस 10 रुपया हजार रुपया और आप मुझे ये दे दो मतलब आपका दिमाग आपकी बॉडी को एक रिश्वत दे रहा है करेक्ट ओके सो इट इज अ ब्राइब टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म डू समथिंग तो मान लो आपका दिमाग आपके बॉडी का कंट्रोल सेंटर है आपकी पूरी बॉडी आपके दिमाग की वजह से चलती है yes. अगर आपका दिमाग चाह रहा है कि हाँ ये एक्टिविटी ये ज्यादा करो तो आपकी बॉडी में एक डोपमिन का एक वाटरफॉल छोड़ देगा ओके हाँ. okay. तो वो एंटिसिपेशन होगा जैसे कि अगर यहाँ पे एक चॉकलेट केक पड़ी है जी तो हमारा दिमाग कह रहा है कि इसमें बहुत सारे कैलोरीज हैं शुगर रश मिलेगा खाओ खाओ mm. तो वो डोपमीन छोड़ते रहता है छोड़ते रहता है और आप जैसे आप रीच आउट कर रहे हो डोपमीन का स्पाइक बढ़ते जाता है और जैसे आप उसको काट रहे हो सबसे ज्यादा पीक मिलता है एंड देन योर ब्रेन इज फ्लडेड विद डोपमीन आपको खुशी मिलती है इसी से एडिक्शन भी हो सकता है क्योंकि इवेन समबडी गेट्स हुक्ड टू दैट डोपमीन स्पाइक बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नाउ कमिंग ऑल द वे बैक सेंसिस हमने बात किया कि सेंसिस डेवलप हुआ ताकि आप खाना ढूंढ सके सेक्स ढूंढ सके hmm. तो सिमिलरली सेंसिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू डोपमीन क्योंकि okay. ये दोनों चीज बिल्कुल जुड़ा हुआ है hmm. जो आपको पसंद है वो आप देखोगे जो आपको पसंद है वो आप सुनोगे और आप उसकी तरफ जाओगे hmm. और आपको प्लेजर मिलेगा hmm. ये सबसे प्रिमिटिव लेवल ऑफ हैप्पीनेस है जानवरों का हैप्पीनेस करेक्ट क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जानवर है बट इंसान और जानवरों के बीच अंतर 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 भी होता है. Yes. But, अंतर होता है। है? वो वो किस वजह से उसके बाद आता सो पार्ट पार्ट ऑफ मूवी। तो दिस। हर एक ह्यूमन बीइंग में ये पूरा सिस्टम सिस्टम अभी भी है, hmm. जो दो बिलियन इयर्स पहले डेवलप हुआ था आ, हमारे में वो अन हुआ है सो ऑल हैप्पीनेस और टाइगर है बट द थिंग विथ ह्यूमन बींग्स इसकी लिम्बिक सिस्टम के बाद भी हमारा ब्रेन डेवलप होते गया जिसको प्री फ्रंटल कॉटेक्स कहते हैं तो आप जब अगर फोर हेड टैप करोगे तो उसके पीछे जो ब्रेन है उसको प्री फ्रंटल कॉटेक्स कहते हैं एंड दैट इज पार्ट दैट इज थिंकिंग विच इज लॉजिकल कि मैं कौन हूं मैं यहाँ पे क्यूँ आया हूँ वॉट इज माई पर्पस इन लाइफ ये सब ह्यूमन बींग्स का थाट्स है एनिमल्स को ये सारा कन्फ्यूजन नहीं होता मैं मैं एक बहुत की चीज़ कहना चाहूंगा और इसलिए मैं आपके साथ रेगुलरली पॉडकास्ट नहीं करता क्योंकि मुझे भी छह महीने चाहिए रहते हैं सीखने के लिए ताकि अगले right. अगले शूट में और नई लर्निंग शेयर कर सकूँ ओके right. okay, तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था टिम फेरिस का उनका पॉडकास्ट था मिची ओकाकू के साथ जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है right. और आ, टिम फेरिस ने मिची ओकाकू से पूछा कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यू मतलब ये जो जान होती है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारी आंखें चल रही है जो लोग लाइफ फोर्स कहते हैं वो आपके लिए क्या है तो मिथियो काकू ने कहा तीन तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं पहला कॉन्शियसनेस होता है सेल्युलर कॉन्शियसनेस जहाँ शायद वो सेल्यूलर बींग को सिर्फ पता है कि हाँ मैं कुछ हूँ शायद स्पेस का भी कोई लॉजिक नहीं हो सेल्यूलर बींग के अंदर दूसरा टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है एनिमल कॉन्शियसनेस जहाँ ये सब चीज़ होती है आ, सेक्स खाना और आ, आ, सेफ्टी हुँ. और सेंसेस से रिलेटेड होते हैं फिर उन्होंने कहा तीसरा प्रकार का कॉन्शियसनेस है ह्यूमन कॉन्शियसनेस uh, right. जहां प्रेजेंट के साथ साथ आपको फ्यूचर की भी थोड़ी समझ है right. जहां टाइम एक फैक्टर बन सकता है right. मतलब वॉट सेपरेट एनिमल्स इज आ प्लानिंग फॉर आ फ्यूचर एनिमल्स सिर्फ मोमेंट में रहते हैं कि ये मेरे सामने मेरा प्रे है मुझे इसको मार के खाना है या वहां घास पड़ा है मुझे वो खा लेना hmm. ये एक अपोजिट जेंडर का एनिमल है इसके साथ सेक्स करना hmm. वो बस प्रेजेंट में रहते हैं वो जनरली आगे का सोचते हैं पर ह्यूमन बींग्स हमेशा आगे का सोचते रहते हैं तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज अबाउट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ फ्यूचर टाइम पास्ट टाइम नहीं hmm. क्योंकि एनिमल्स भी मेमोरीज होती है right. और शायद उनमें फ्यूचर की एबिलिटी उतना uh, नहीं होता उतना नहीं होता तो क्वाइट लिटरली हमारा जो प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स है उसमें से जो सबसे लेटेस्ट इवॉल्व पार्ट है उसको फ्रंटोपोलर एरिया कहते हैं ओके दैट इज लिटरली द थर्ड आई का एरिया वेर वी विजुअलाइज द थर्ड आई वहां पे फ्रंटोपोलर एरिया है एंड फ्रंटोपोलर एरिया का जॉब है फ्यूचर प्लानिंग ओके ओकेशन तो फ्यूचर प्लानिंग का क्या मतलब है आप प्रेजेंट में जो भी वेरिएबल्स आप देख रहे हो हुँ. उसको आप ले लो आप उसका डायरेक्शन देखो और आप उसको प्रोजेक्ट करो कि अगर मैं बॉल मेरे पास एक टेनिस बॉल है मैं यहां पे बॉल छोड़ रहा हूं तो प्रेजेंटली बॉल यहाँ पे है उसका स्पीड ऐसे जा रहा है तो आई कैन प्रोजेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इन टू द फ्यूचर दो सेकंड के बाद बॉल नीचे आएगा, उसके दो के बाद बाउंस होगा तो वो सब कुछ calculation है। okay. But if I say कि ये बॉल साल के बाद होगा? नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट आपके पास सारे वेरिएबल्स है क्या आपके पास उतना कैपेसिटी है क्या, क्या कैलकुलेट करने को सो इन अदर वर्ड्स सीइंग द फ्यूचर इज जस्ट हैविंग स्ट्रॉ इनफ प्रोसेसर एंड इनफ वेरिएबल्स अगर आपके पास सारे वेरिएबल्स हैं और अगर आप प्रोसेस कर पा रहे हो तो आपको फ्यूचर बहुत अच्छे से दिख जाएगा ओके okay, अभी न्यूरोसाइंस एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और आदि योगी के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि आदि योगी वो पहले मनुष्य थे hmm. जिन्होंने योगा का इस्तेमाल करके एवोल्यूशन को प्राप्त किया हम मंकी से इवॉल्व हुए ठीक है अब हम ह्यूमन बींगस बन चुके हैं और अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं right. बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारी एवोल्यूशन खत्म हो चुकी है इसका ये मतलब है कि वी आर्ट सम मिड पॉइंट और इसके बाद भी हमारी एवोल्यूशन हो सकती है right. अभी वो एवोल्यूशन क्या होगी किसी को नहीं पता hmm. तो कहा जाता है कि शंकर भगवान के बहुत अलग अलग नाम होते हैं और हर नाम एक अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता hmm. है ठीक है सदगुरु के अकॉर्डिंग जब हम शिवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं शिवा मतलब डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी जगह या एक ऐसी रियलिटी या एक ऐसा अल्टरनेट यूनिवर्स जो हमारे समझ के बाहर है अगर आप में से किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो इंटरस्टेलर के एंड में जो होता है दैट इज अ डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि शायद मैं ना ही इंग्लिश में ना ही हिंदी में इस चीज़ को समझा पाऊंगा बेसिकली इंटरस्टेलर ने कहा कि डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज एक ऐसी डायमेंशन जहाँ टाइम का कुछ मतलब नहीं है जहाँ भूतकाल और भविष्य साथ में हो रहा है और प्रेजेंट भी साथ में हो रहा है शिवा इज दैट डायमेंशन तो आदि योगी वो पहले इंसान थे जिन्होंने शिवा को प्राप्त किया इसलिए जो आदि योगी का स्टैच्यू अब ईशा फाउंडेशन में बनाया गया इट्स टू रिमाइंड ह्यूमन बींग्स की यार आप भी एवोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो अगर आपने योगा के फायदे उठाए अगर आपने मेडिटेशन के फायदे उठाए आप इस चीज को मानते हो एज अ डॉक्टर सो फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर मुझे शिवा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज एवरी एक्शन एवरी थॉट दैट कम्स इन आवर ब्रेन इज फंडामेंटली एक बहुत बेसिक लेवल पे फियर ऑफ डेथ से आ रहा है विच इज वाई आई थिंक ऑल ऑफ न्यूरोसाइंस इज बेस्ड ऑन शिवा फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट अगर मैं ये बहुत अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ने का कोशिश करूँ तो मुझे ये एक कॉमन पॉइंट मिलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ले लो कोई भी बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक फियर ऑफ डेथ इज अ यूनिवर्सल थ्रेड फियर ऑफ डेथ कैसे एक्सपीरियंस करता है वो उस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है hmm. उसके कितने सिस्टम्स है एक्सपीरियंस करने का अ बैक्टीरिया विल नॉट फील फीयर लाइक अ ह्यूमन बींग फील्स फियर इनफैक्ट अ डॉग विल नॉट फील फियर लाइक अ ह्यूमन बींग फील्स फियोर बट वो फियर ऑफ डेथ इज कॉमन बिकॉज एवरीथिंग दैट वी डू इज टू अवॉइड डेथ आप अगर सोचोगे खाना ढूंढ रहे हो डेथ अवॉइड करने को सेक्स hmm. ढूंढ रहे हो डेथ अवॉइड करने को ऑफ अवर स्पीशीज और आप प्रिडेटर से भाग रहे हो डेथ अवॉइड करने को एवरी थिंग इज टू अवॉयड डेथ सो आई फील दैट एक्चुअली यूनिवर्सल इन न्यूरो फेर सक्सेस के बारे में बातें करता सक्सेस बेसिकली वही होता है कि यार yeah. मेरे खुद के लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरे दोस्तों के लिए मैं खाना ला सकता हूँ ताकि yeah. वो मरे नहीं अगेन फ़ियर ऑफ डेथ पर इसी एंगल से मैं आपको न्यूरोसाइंस के बारे में ज़्यादा पूछना चाहूँगा मेरे को याद है कि आपके लास्ट टाइम के शूट में आ, आपने एक स्टेटमेंट कही थी कि ऑल मोटिवेशंस कम फ्रॉम इधर डेथ और लव तो इन सारी चीजों में लव का स्पेस कहाँ है और भगवान के लिए लव भी एक तरह का लव हो सकता है एज अ मोटिवेटर एब्सोल्युटली मैं एक अलग एंगल से ये अप्रोच करूँगा जी हमारा फियर ऑफ डेथ तो है ही बट द ऑपोजिट ऑफ दैट इज कंट्रोल ओके ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समथिंग जो हम लोग को कंफर्टेबल लगता है आप फुटबॉल खेलते हो ओके okay. राइट right? hmm. आपने पहली बार फुटबॉल खेला था तो आप आपके पास जब बॉल आता है तो आपका पूरा ब्रेन उसी पे फोकस हो जाता है वो बॉल पे फोकस होता है और आपका ब्रेन पूरा ओवरलोड हो जाता है कि अभी मैं क्या करूं आप इधर उधर नहीं देख पा रहे हो आपको सिर्फ बॉल ही ध्यान दे रहा है और कोई आके बॉल लेके जाता है और आपको पता नहीं चलता बट यू कीप ऑन प्लेइंग यू कीप ऑन प्लेइंग आपके ब्रेन में कंट्रोल आ जाता है नाउ यू आर एबल टू टेक इन मोर आपको बॉल भी दिख रहा है आपके टीम भी दिख रहे हैं आपके ओपोनेंट्स भी दिख रहे हैं आपको गोल भी दिख रहा है

वेयर यू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर बॉडी एंड योर माइंड एक तरह से आप फियर को ओवरकम कर रहे हो एंड आई वंडर दिस इज नथिंग टू डू विथ बायोलॉजी एंड साइंसेज वी आर टॉकिंग इन अ स्परिचुअल फिलोसॉफिकल वे आई वंडर इफ दैट इज वॉट मर्जिंग इन टू शिवा एक्चुअली मीन्स मोक्ष है फियर फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम फियर ंगट यू आर डूंग्रॉम फीयर तो चलो फुटबॉल की बातें करते हैं आप भी फुटबॉल फैन हो मैं रोनाल्डो को ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मानता हूँ पर मैं मैसी को मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मानता हूँ ठीक है रोनाल्डो को ग्रेटेस्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है मैसी थोड़े से गॉड गिफ्टेड है जब उनके पास बॉल होता है वो बहुत आसानी से बॉल को कंट्रोल कर पाते हैं okay. मतलब वो जो अपने दिमाग में सोचते हैं बॉल वही चीजें करता है ओके okay? और ये कोई भी फुटबॉल फैन समझ जाएगा क्रिकेट uh, फैंस के लिए सचिन तेंदुलकर की बैटिंग बहुत ऑटोमैटिक थी तो यही बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर आपने इतना सारा फुटबॉल खेल लिया या अगर आप गॉड गिफ्टेड हो okay. तो शायद लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी वो मैच आपके अकॉर्डिंग चलेगी जो okay. आप चाहते हो वो सब होगा ठीक okay. है okay. अब मैं आपको मोक्ष के बारे में पूछना चाहूंगा तो शायद आदि योगी ने इतना ज्यादा स्पिरिचुअल फुटबॉल खेल लिया, इतना ज्यादा मेडिटेशन फुटबॉल कर लिया कि उनको उनके खुद के दिमाग पर उनके ब्रेन पर पूरा कंट्रोल आ गया राइट ओके मैं आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन और साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा और साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मोक्ष के बारे में पूछना चाहूंगा क्योंकि हमें हर स्पिरिचुअल स्कूल में बताया जाता है कि दिल साफ रखे समाज के लिए काम कीजिए और साथ में या तो प्रेयर कीजिए या तो मेडिटेशन कीजिए हो सके तो योगा भी कीजिए साथ में क्योंकि इन सारी चीजों से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है पर एज अ न्यूरोलॉजिस्ट एज अ डॉक्टर एज अ साइंस एज अ मैन ऑफ साइंस आपका क्या कहना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से आपका दिमाग शायद बदल सकता और मैं आपको मॉडर्न साइंस के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि रिसर्च अभी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा मेडिटेशन को लेकर आपकी क्या राय है मैं जिस तरह से ये प्रॉब्लम को अप्रोच करता हूं मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है कॉन्फ्लिक्ट ओके ठीक है नाउ स्टे विद मी फॉर फाइव मिनट्स वील टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ठीक है कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा हाँ okay. जहाँ पे भी आपको दो आइडियाज एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा है हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ठीक है जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वो एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स आर गुड क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ही आगे बढ़ते हो बट सपोज दैट प्रॉब्लम नॉट बी सॉल्व हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है अभी स्ट्रेस बहुत लेवल्स के होते हैं बट सपोज स्ट्रेस बढ़ते गया बढ़ते गया लिम्बिक सिस्टम की बात हमने की थी लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक एरिया है अमिक डला hmm. अभी अमिक डला का वन ऑफ द जॉब्स ऑफ अमिक डला इज टू फाइंड आउट कि थ्रेट कहाँ पे है एक मिनट लिम्बिक सिस्टम थोड़ा समझाना पड़ेगा हाँ। जो हमने एनिमल सिस्टम की बात करी वही है विल एक्सप्लेन हाँ। ओके हमने लिम्बिक सिस्टम की बात की थी जब हम एनिमल ब्रेन की बात कर रहे थे तो लिम्बिक सिस्टम वो प्रिमिटिव ब्रेन है जिसमें फूड सेक्स वो सब हम वो सब कंट्रोल होता है लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक एमिग्डाला करके एरिया है उसका काम है थ्रेट ढूंढना कि कोई मुझे मारने आ रहा है क्या उसी को हम रीफ्रेस कर सकते हैं उसका काम है कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना तो जहां पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख गया तो अटेंशन वहां पे जाता है आपने नोटिस किया होगा आई गिव यू एन एग्जांपल आपको समझ में आए थंबनेल डिजाइन hmm. अभी थंबनेल डिजाइन में लोग कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं इज कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ब्लैक ऑन वाइट ब्लू अगेंस्ट रेड वट

करियर के लव लाइफ के एग्जैक्टली exactly. लोग सोचते हैं मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ वाई आर यू ओवर थिंकिंग ये गलत है ये गलत है मेरे लाइफ में ये गलत है वो एक वायरिंग हो गया है वो एक हैबिट हो गया है आपके दिमाग में कि आप सिर्फ गलत चीज़ों के देखते रहते हो और आपकी गलती नहीं है वी आर वायर्ड दैट वे मेडिटेशन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और उसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आप सॉल्व करें इसका मतलब है कि आप और प्रॉब्लम का जो रिलेशनशिप है वो सॉल्व हो जाए ताकि वो बार बार आपको आपका थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट ना करे दैट फॉर मी इज मेडिटेशन एंड वेन यू रीच अ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपके दिमाग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है दैट इज वॉट पीस ऑफ माइंड इज एक मैं थोड़े से एडवांस मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहूंगा सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं पर आपके लिए भी मैं शायद आपसे इन चीज़ों के बारे में बात किया अब मैं छः साल से मेडिटेट कर रहा हूँ इस स्टेज पर मेरी मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है एंड आई हैव ऑल्सो फिगर कि जितने भी मेडिटेशन सिखाए जाते हैं ऑलमोस्ट जितने भी हैं सभी का एक ही गोल होता है कि, कि किसी चीज़ पर फोकस कीजिए या तो किसी मंत्र पे या तो खुद की ब्रेथ पर या जो विजुअलाइजेशन आपको करनी है उस पर बेसिकली आई थिंक तीन ही चीज़ें होती हैं ठीक है तो एट दिस स्टेज मैं एक चांटिंग बेस्ड मेडिटेशन करता हूँ मेरे खुद के योगा स्कूल का एक चांट है तो जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ हम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं दिमाग को शांत करने के लिए क्योंकि प्राणायाम की वजह से दिमाग बहुत शांत हो जाता है अगर लाइफ में कभी अनुलोम विलोम नहीं किया है तो कीजिए एक बार और एक्सपीरियंस करिए कि आपके दिमाग को क्या होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद उसके बाद हम चांडिंग करने लगते भी चांस करते करते आपका दिमाग यहां वहां भागने लगेगा कि ओके गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम करियर का प्रॉब्लम पैसों का प्रॉब्लम आपको बस यही देखना कि यार अच्छा मेरा दिमाग अभी भागे चलो वापस खींचते हैं और चाट पर फिर से फोकस करते हैं right. और जिस दिन आप ज्यादा स्ट्रेस हो जिस दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है उस दिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा और आप उस चाट पर कम फोकस करेंगे right. पर मेडिटेशन का गोल है कि खुद के दिमाग को स्पॉट करना और नीचे खींचना कि यार नहीं नहीं, नहीं चाँट पर फोकस कर वेथ पर फोकस कर right. और वो करते करते बहुत सारी चीजें होती हैं आपके दिमाग के साथ पहली चीज लॉन्ग टर्म में आपको दिमाग को एक वर्कआउट मिल जाता है कि आपके दिमाग का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है फिर आप उस फोकस को अपने प्रोफेशनल लाइफ में डाल सकते हो जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो तो बिना ओवर थिंकिंग किए बिना बिना किसी और सिचुएशन के बारे में सोच के आप सिर्फ फैमिली के साथ रह सकते हो और जब आपके खुश मोमेंट्स हो रहे हैं हैप्पीनेस मोमेंट्स हो रहे हैं आप उस हैप्पीनेस को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हो पर दूसरी चीज़ आपको अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है क्योंकि इतनी बार आप अपने दिमाग को वर्कआउट दे रहे हो

हमारा अटेंशन वहाँ पे टर्न होना ये भी एक हैबिट होता है और वो बहुत इजी हैबिट होता है फॉर्म होने के लिए क्योंकि हमारा अभी का जो सिचुएशन है विथ सोशल मीडिया विथ आवर फोन्स ऑलवेज इन आवर हैंडेंट नॉट नोटिफिकेशन शॉर्ट कॉन्टेंट वो एक हैबिट ऑलरेडी बन जाता है कि अटेंशन को एक जगह पे दस पंद्रह सेकेंड से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है नहीं और हमारा ब्रेन कैसे सीखता है सपोज पंद्रह सेकेंड के लिए आई पे अटेंशन टू समिंग पंद्रह सेकेंड के बाद आई पे अटेंशन टू सम और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ग्रेट क्योंकि मुझे डोपमिन पाइक अभी हर पंद्रह सेकेंड में मिल रहा है और उसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इमिडिएटली पता नहीं चलता सो आवर ब्रेन लर्न्स दिस न्यू हैबिट और बहुत आसानी से सीख जाता है बिकॉज आवर ब्रेन इज एफिशेंट वाई शुड इट पे अटेंशन टू समिंग फॉर वन आवर वेन इट कैन

and that habit gets carried forward into everything else hmm. so it's a very useful skill very useful habit aur wo aap physically bhi seekh sakte ho it's not necessary that aap only mentally kare you can do it when you are running you can do it when you are jogging you can do it when you are swimming because it is a state of mind matlab jab aap jogging running exercise swimming kar rahe ho किसी ने मुझे एक बार कहा था मैंने एक mentor ने कहा था जो meditator है और उन्होंने कहा था कि जब वो exercise करते हैं वो music भी नहीं सुनते वो सिर्फ अपने बॉडी पर फोकस करें और कहा जाता है कि हट योग में यानी कि आसना सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं तभी भी आपको म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए पॉडकास्ट नहीं सुनना चाहिए सिर्फ वो कर, करना okay. चाहिए इसके पीछे साइंस क्या है दैट आपका ब्रेन के अंदर जो लूप्स बन रहे हैं यू डोंट वॉन्टेड टू बी एक्सटर्नलाइज आपका अटेंशन को एक्सटर्नल मत जाने दो क्योंकि पूरा दिन ऑलरेडी एक्सटर्नल जा रहा है ओके सो फॉर मी द इजिएस्ट मेडिटेशन इज स्विमिंग बिकॉज hmm. एक तो गाना सुनने का ऑप्शन ही नहीं है तो वो हट ही गया योर ब्रीदिंग इज वेरी रेगुलर बिकॉज आपका स्विमिंग स्टाइल में one, two, three, breathe. One, two, three, breathe. वो एक रिदम बन जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन उसी में रहता है दैट इज वॉट द प्री फ्रंटल कॉटेक्स मतलब जो इवॉल्व पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो कोशिश करता है लिम्बिक सिस्टम को बिल्कुल कंट्रोल में रखने का कि ये मेमोरी इधर ही जाएगा ये मेमोरी इधर ही जाएगा और उसको मिक्स नहीं होने देना है क्योंकि सबका एक अटैच्ड टैग होता है कि ये मेरे चाइल्डहुड मेमोरी है ये मेरा स्कूल का मेमोरी है ये मेरा जॉब का मेमोरी है बट व्हेन यू स्लीप ऑफ और इवन व्हेन यू आर मेडिटेटिंग वो प्रीफ्रंटल कॉटेक्स का जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम हो जाता है नाउ ऑल किड्स आर फ्री टू टॉक टू इच अदर दे विल फॉर्म न्यू फ्रेंड्स न्यू कनेक्शंस रैंडम मेमरीज विल क्लिक and that is how new ideas come up. Hmm. So sleep is when you are approaching it from below upwards, but meditation, yeah, lucid lucid dreaming is below upwards. Meditation is above downwards. Hmm. But dono ek hi jagah pe pohchta hai. God. Wow. Okay. I think हमारे एक पिछले English podcast में हमने neuroplasticity प्लास्टिसिटी की बातें कर दी जी देखो यहाँ हम शिवा की बातें कर रहे हैं मोक्ष की बातें कर रहे हैं पर आज भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट एज ए यंग प्रोफेशनल आप न्यूरोप्लासिसी uh, के फायदे उठाकर खुद के दिमाग को इवॉल्व कर सकते हैं बेसिकली हमने एवोल्यूशन की बातें करी कि शायद हमारा अभी का ह्यूमन माइंड फाइनल फॉर्म नहीं है नहीं। इसके बाद भी हमारा ह्यूमन माइंड बिल्ड हो सकता है जैसे कि कभी कभी आपको कोई बूढ़े लोग मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं बहुत ज्यादा वाइज होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे लाइफ में बहुत लोगों से सीखा है बहुत सारी किताबें पढ़ी है दैट इज अ फॉर्म ऑफ neuroplasticity. तो पहले सर ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा दीजिए कि एक पेड़ का एनालॉजी दिया था आपने हुँ. तो वो पेड़ का एनालजी समझा दीजिए फिर neuroplasticity समझाइए yes. उसके बाद भी मेरे कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है वो रेस्टफुलनेस स्टेट को लेकर कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है सो so, neuroplasticity का मतलब है कि नया कनेक्शन बनना और पुराना कनेक्शन को तोड़ना अगर जरूरत हो तो कनेक्शन क्या होते हैं अगर आप समझो कि ये मेरा एक हाथ है एक न्यूरॉन न्यूरॉन इज अ ब्रेन सेल तो ब्रेन के अंदर वन बिलियन न्यूरॉन्स है तो एक हाथ अगर एक न्यूरॉन बन गया ये हाथ दूसरा न्यूरॉन बन गया तो ये जब जुड़ जाता है इसको साइनाप्स कहते हैं hmm. तो ये साइनाप्स को कनेक्शन है दो न्यूर के बीच का कनेक्शन देर इज मोर देन वन ट्रिलियन साइनाप्स इन द ब्रेन ठीक है तो अगर एक साइनाप्स बन गया शुरुआत में साइनाप्स का स्ट्रेंथ बहुत वीक है ठीक है तो अगर मैं नया हैबिट बनाने का कोशिश कर रहा हूं सुबह छह बजे का उठने का मतलब आप बास्केटबॉल सीख रहे हो श्योर sure, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं बास्केटबॉल सीख रहा हूं मुझे बॉल को बास्केट में डालना है शुरुआत में माई आईज आर नॉट ट्रेन टू कैलकुलेट कि कितना डिस्टेंस है मुझे हाथ कितना उठाना है कितना फोर्स में डालना है बट एक दिन हो गया दो दिन हो गया टेंथ डे पे मैंने फर्स्ट बास्केट डाल दिया नाउ माई ब्रेन इज रिमेंबर्ड चलो मैं इतने डिस्टेंस पे इतना हाइट पर अगर मैं इतना फोर्स डालूंगा तो वो बॉल जाएगा अंदर वापस मैं कर रहा हूँ अभी लेवंथ डे पर मेरा दो बास्केट चला गया सिक्सटीन डे पे तीन बास्केट चला गया बिकॉज माई नाउ माई ब्रेन हैज़ अ प्रोटोकॉल कि इतना इतना डिस्टेंस पे इतना फोर्स में मुझे ऐसा ही डालना है दैट इज हाव हैबिट्स आ फॉर्म्ड एंड वंस दैट कनेक्शन बिकम्स स्ट्रांग एंड क्लिक्स देन आई डोंट हैव टू थिंक उसके बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि बास्केट इधर है मैं इधर खड़ा हूँ अभी मेरा लिंबिक सिस्टम वो सब कर रहा है अपने आप से उसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है सो नाउ इट इज़ हैपनिंग ऑटोमैटिकली एक डैनियल कैनमान का बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो तो उसमें सिस्टम वन सिस्टम टू की बात कहता है सो इट इज़ अबाउट ऑटोमेटिक सिस्टम्स एंड वॉलेंट्री सिस्टम्स तो जो भी सिस्टम हम लोग जो भी चीज़ हम लोग वॉल्टरिली कर रहे हैं इट इज़ एग्जॉस्टिंग थक जाते हैं तो जब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है हर बार कि मुझे बॉल ऐसा डालना है यू विल नॉट डू इट आप थक जाते हो बट अब वो एक बार ऑटोमैटिक हो गया नाउ इट इज ईजी नाउ यू कैन एन्जॉय द गेम दैट इज वॉट न्यूरो प्लासिसिटी डज फॉर यू आप लाइफ को एन्जॉय कर पाओगे बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स आर गेटिंग सॉल्व पीछे ओके okay, और एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेकर बेस्ट वे so, okay. जैसे कि आपने एक नया टॉपिक खोल दिया ठीक है तो, में, किसी को बायोकेमिस्ट्री में क्रेब साइकिल करके एक केमिकल साइकिल होता है जिसमें हम लोग को एनर्जी मिलता है hmm. आपने भी कहीं ना कहीं तो सुना hmm. होगा क्रेब साइकिल hmm. तो क्रेब साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आता दस बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता बट देन वंस यू स्पोकन टू अ फ्यू फ्रेंड्स आपने डिस्कस कर लिया नया कनेक्शन बना लिया हर एक वर्ड का आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए अभी वो क्रेप साइकिल समझ में आ गया एक बार क्रेप साइकिल समझ, समझ में आता है सडनली हाफ ऑफ बायोकेमिस्ट्री बिकम्स ईजी बिकॉज नाउ क्रेप साइकिल इज समथिंग दैट योर सबकॉन्शियस ब्रेन ऑलरेडी नोज तो नाउ यू कैन यूज दैट टू लर्न द नेक्स्ट थिंग्स सो फॉर मी लर्निंग इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन इन टू योर सबकॉन्शियस उसको एक हैबिट बना दो तो जितना आपने हैबिट बना दिया उतना आपको सुपर पावर्स मिल जाता है रूम बन जाता है क्रिएटिवी you know? आप ऐसे सोच लो आपने अगर पेंटिंग किया हो या पोएट्री लिखे हो तो शुरुआत में यू आर स्ट्रगलिंग विद स्मॉल थिंग्स गिटार बेस्ट एग्जाम्पल शुरुआत में आप कॉर्ड्स ढूंढ रहे हो कि जी कॉर्ड कैसे प्ले करना है डी कॉर्ड कैसे प्ले करना है बट एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया बन गया नाउ यू कैन थिंक अबाउट द एक्चुअल सॉन्ग आपको अभी सोचना नहीं है कि मुझे फिंगर कैसे रखना है वो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है नाउ यू आर ओनली थिंकिंग कि मैं गाना कैसे लिखू दैट इज वॉट फ्रीज यूर माइंड टू डू मोर थिंग्स तो जब लोग कहते हैं कि ये या नहीं यार मैं तो लेट ही उठता हूँ मेरा कुछ होगा नहीं ये एक्चुअली आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग न्यूरो प्लास्टिसिटी फॉर्म हो गई है फॉर वेकिंग अप लेट पर अगर आपने ट्राई किया नई हैबिट बनाने की अगर आपने ट्राई किया नहीं यार अब से मैं नौ बजे उठूंगा फिर स्लोली आठ बजे उठूंगा फिर स्लोली सात बजे उठूंगा तो आप उस चीज को भी रिवर्स कर सकते हो हंड्रेड परसेंट पर बेसिकली आपके विल पावर के ऊपर होता है शुरुआत में ओके okay. क्योंकि जब तक वो वॉलेंटरी ब्रेन के ऊपर होता है वो विल पावर पे होता है डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट एक बार वो सबकॉन्शियस में चला गया नाउ योर विल पावर इज फ्री लोग hmm. so की बात करते हैं और फ्रीडम की बात करते हैं और लोग सोचते हैं कि ये दोनों opposite हैं, hmm. कि मुझे freedom चाहिए ठीक है है ये क्या है कि रोज बजे उठो ये क्या है कि रोज जिम जाओ ये क्या है कि रोज पढ़ाई करो आई वॉन्ट टू डू आई वॉन्ट मैं जब चाहो उठो जब चाहो पढ़ाई करो उसको फ्रीडम मानते हैं बट इट इज एक्चुअली नॉट द केस उल्टा है आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहो आपको उतना फ्री टाइम मिलता है ज नाउ योर ब्रेन थिंक कि आज मुझे कब उठना है आज मुझे क्या करना है तो ऑल दो अगर बन गया है नाउ योर ब्रेन इज फ्री हम लोग टाइम के बारे में सोचते हैं बट वी नेवर थिंक अबाउट हाउ फ्री इज योर ब्रेन सो मोर डिसिप्लिन इज इक्वल्स मोर फ्रीडम न्यूरोप्लास्टिस के बारे में एक और बहुत की फैक्टर है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए mm -hmm. ये मैंने ह्यूमन से सीखा mm -hmm. कहते हैं कि के दो स्टेप होते हैं पहला स्टेप है उस क्रेविंग को बीट करना कि अगर आप जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हो पर कहीं से आपके दिमाग में एक आवाज आती है कि नहीं यार लेट सो जा कल भी लेट उठ परसों से करेंगे राइट तो उस क्रेविंग को बीट करना पहला स्टेप होता है अगर आपने बीट किया यू आर क्लियर ऑफ स्टेप वन आपको स्टेप वन हर दिन करना है पर स्टेप टू भी की होता है स्टेप टू होता है रेस्ट यानी कि बेसिकली जब आप स्टेप वन सक्सेसफुली एक बार आपने किया कि वो आवाज आई कि नहीं यार कल लेट उठ पर आपने कहा कि नहीं नहीं मैं जल्दी उठूंगा तो वो आपका एक स्टेप वन हो गया थोड़ा सा वो न्यूरल पैटर्न फॉर्म हो चुका है उसकी शुरुआत हुई है अगर आपको उस, उस फॉर्मेशन में स्पीड लाना है उस न्यूरल पैटर्न के जन्म में स्पीड लाना है तो आपको डीप स्लीप की जरूरत है डीप स्लीप और डीप रेस्ट जहां आपका दिमाग पूरी तरह से बंद है कभी कभी जब हम सोते हैं और सपने नहीं दिखाई देते हैं okay. वो होती है डीप स्लीप रेम, स्लीप. Okay. तो वो रेम स्लीप में आपके न्यूरल पैटर्न का फॉर्मेशन और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है उन्होंने ये कहा दैट्स वन ऑफ द डीप इज कि आपकी बॉडी की रिकवरी भी होती है पर उसके साथ साथ आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत तेजी से होती है yeah. पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने डीप मेडिटेशन सीख ली योगा निद्रा सीख ली तो वो भी एक डीप स्लीप या डीप रेस्ट का फॉर्म होता है yeah. तो इन दोनों चीजों के बारे में पूछना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूरोप्लास्टिसिटी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो जी और बनते बनते आप बीच बीच में उसको जाके ऐसे पोक करते हो या तोड़ देते हो तो वो कभी नहीं बनेगा करेक्ट अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो यू लीव इट फॉर सम टाइम राइट एक फ्लोर बना लिया अभी आप अगले फ्लोर पे फोकस करोगे एग्जैक्टली यू नीड टाइम फॉर इट टू सेटल तो बार बार अगर आप उस पर इंटरफियर करोगे तो वो कनेक्शन कभी बनेगा ही नहीं तो रेस्ट इज

बट वी हैव ऑलरेडी फॉर्म द हैबिट कि मुझे साढ़े नौ बजे उठना है तो तीन स्टेप होते हैं करेक्ट पहला पहले वाले घर को तोड़ना तोड़ो दूसरा उसी मटेरियल से नए घर को बनाओ।, और तीसरा उसे ड्राई करना कॉन्क्रीट को सेटल होने दो hmm. तो फिर ये जो डीप रेस्ट का स्टेट होता है इसके बारे में भी समझा दीजिए लुक एट डीप रेस्ट फ्रॉम द नेगेटिव सपोज डीप रेस्ट नहीं मिला तो क्या होगा यू नो एनिमल्स डाई इफ यू डोंट लेट दैम स्लीप फॉर थ्री वीक्स इट इज दैट इम्पॉर्टेंट इट इज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव वाई इज दैट बिकॉज अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो योर ब्रेन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर थ्रेट इफ यू आर नॉट गेटिंग रेस्ट दैट मीन्स दैट यू आर इन अ थ्रेटनिंग एनवायरमेंट सिंपल सी बात है क्योंकि आप अगर सो रहे हो तो यू आर टेलिंग योर ब्रेन दैट यू आर सेफ करेक्ट और आप नहीं सो रहे हो तो यू आर टेलिंग दैट यू आर नॉट सेफ वायल्स वुड यू बी अवेक बिकॉज यू आर नॉट सेफ अगर सो गए तो समथिंग कैन हैपन सो यू आर क्रिएटिंग दैट स्टोरी दैट यू आर नॉट सेफ यू आर नॉट सेफ यू आर नॉट सेफ कब तक आप वो नेगेटिव थ्रेटनिंग एनवायरमेंट में जी पाओगे this is a simple hmm. way of explaining we hmm. are not going into the biochemistry जब हम केव मैन होते थे तो हमेशा जानवरों का डर होता था कि यार यहाँ से लायन आ जाएगा यहाँ से टाइगर आ जाएगा Correct. तो आ, अगर मान लो आपने कोई एकदम ऊंचा केव ढूंढ लिया उसके पास एक पत्थर रख दिया तो कोई जानवर अंदर नहीं आ पाता Correct. फिर आप शांति से सो पाते ओके दैट इज अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री की के तरफ गए तो कोर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो बुरी हार्मोन हो, हो जो हाँ मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन होता है थोड़ा hmm. सा कॉटेजोल इज गुड यू नीड दैट व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर एन एग्जाम विल टेल यू कि दिस इज याद रखो बट सपोज यू आर नॉट स्लीपिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इज दैट योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग मोर एंड मोर कार्टेजोल आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है योर ब्रेन इज थिंकिंग दैट इट इज अंडर अटैक आपका इम्यून सिस्टम गेट्स इन्वॉल्व बिकॉज अटैक कहाँ से भी आ सकता है इज इट अ फीवर इज इट एन इन्फेक्शन तो ब्रेन में इम्यून सिस्टम गेट्स अफेक्टेड एंड योर हॉर्मोन सिस्टम्स गेट अफेक्टेड योर ब्लड प्रेशर गेटिंग अफेक्टेड आपका हार्ट रेट अफेक्ट होता है आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट होता है फिर आपका अटेंशन अफेक्ट होता, होता है आपका थिंकिंग अफेक्ट होता है एंड देन इट इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इट इज दैट सीरियस सो दिस इज ऑल दिन दैस्ट अगर आप रेस्ट करोगे तो ऑल दीज थिंग नॉट है फीडबैक दैट यू आर से ज आपका क्रिएटिविटी बेटर हो जाता है सो ऑल ऑफ दोज थिंग मान लो हम हमारे कॉलेज में जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं और आपका नर्वसनेस फील हो रहा होता है तो आपका कोई दोस्त कहता है कि नहीं यार हो जाएगा हम सब पास हो जाएंगे <laughs> तो वेल रेस्टेड बॉडीज लाइक दैट गुड फ्रेंड ये सी आर भाई चिलमार्यूरोपिटी पे फोकस कर एग्जैक्टली <laughs> <Exactly. laughs> exactly. तो अगर एक दिन आपने नहीं सोया <laughs> और एक दिन का नॉट स्लीपिंग इज नॉट गोइंट टू किल यू इट मैट वर्क इन योर फेवर ऑल्सो देर सो मेनी स्टूडेंट हुआ राइट टाइम एक ऑटोसोल पीक हो रहा है ठीक है मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूं बट जो क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड है देयर बॉडी विल सफर ओके ये न्यूरल पार्टन स्ट्रेंथन होते हैं इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को बेसिकली खुद का पेट्रोल मिल रहा है वो न्यूरो न्यूरो आ, पैटर्न्स को करने के लिए हाँ। बट अगर आपको बेसिक अंडरलाइंग मैसेजेस अगर आपको हैबिट फॉर्मेशन जल्दी से करनी है कोई भी हैबिट ले लो या कोई भी हैबिट को तोड़नी है तो आपको बेसिकली स्लीप पर भी फोकस करना है और वो क्रेविंग को भी बीट करना है एग्जैक्टली exactly. आप वो बिल्डिंग वाला एनोलॉजी लेके चलो कि कोई भी नया हैबिट बनाना है आप सोचो कि वो नया बिल्डिंग है और उसको बनाने के लिए तोड़ो बनाओ और रेस्ट

स्लीप जितने बेनिफिट्स पा सकते हो पर उसके उसका एक टेक्निक होता है नीड समवन टू टीच यू और सेम जब मेडिटेशन कर रहे हो आपको फायदे दिखते हैं तो कीपिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी इन माइंड और कीपिंग ब्रेन एवोल्यूशन इन माइंड जब आप मेडिटेशन कर रहे हो जब आप योगा कर रहे हो आपको एक्चुअल बेनिफिट्स फील होने लगते हैं अगर आपने कंसिस्टेंटली किया तो साइंटिफिकली hmm. आपके ब्रेन में बदल रहा क्या है क्योंकि मैंने स्टडीज uh, में पढ़ा है कि आपके कॉपोस्कैलोज की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है बेसिकली आपके ब्रेन का कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है hmm. आपकी अमिगडला की फंक्शनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है जो आपका फियर सेंटर है uh, तो लेट द न्यूरोलॉजिस्ट स्पीक हियर बेसिकली इन सब चीजों की वजह से आपके ब्रेन के अंदर बदलता क्या है फ्रॉम न्यूरो प्लास्टिसिटी आई एम श्योर न्यूरो पैटर्न तो बदलते हैं मगर hmm. आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी शायद ज्यादा फास्ट फॉर्म होने लगती है आपके हैबिट अडोप्शन है सब फास्ट हो जाता है और क्या होता है सो so, स्लीप की बात हमने कह दी स्लीप एंड मेडिटेशन आर इंटरलिंगीज जो स्लीप में हो रहा है वही चीज़ें मेडिटेशन में भी होता है जी जैसे कि हमने बोला कि प्रीफ्रंटल कॉटेक्स का जो कंट्रोल है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है स्लीप में भी मेडिटेशन में भी तो न्यू आइडियाज फॉर्मिंग मेमोरी रिटेंशन

very important is in meditation as opposed to sleep your prefrontal cortex ka control is at this while it is relaxing it is at the same time also increasing okay so this is a tricky concept okay you are consciously letting go whereas in sleep you are subconsciously letting go एक मैं थोड़ी थोड़ा एक इजी कॉन्सेप्ट पिच करना चाहूंगा sure. फिर आप बताइए कि सेम है कि नहीं श्योर sure. किसी ने मुझे एक बार कहा था कि ड्यूरिंग स्लीप आपकी बॉडी सो जाती है पर कभी कभी mm -hmm. आपका दिमाग एक्टिव होता है mm -hmm. पर ड्यूरिंग मेडिटेशन आपकी बॉडी एक्टिव है क्योंकि आप आप mm -hmm. सोए हुए नहीं हो हाथ को मूव कर सकते हो तो पर आपका दि दिमाग सो जाता है सिमिलर है दिमाग सो जाना इज नॉट द राइट वर्ड ओके बट वट आई सेट बिफोर आप कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेटिंग गो स्लीप में यू हैव नो कंट्रोल करेक्ट आप ऐसा सोच लीजिए बिल्डिंग है टॉप टेन फ्लोर्स का बिल्डिंग है टॉप थ्री फ्लोर्स में आपका कॉन्शियस कंट्रोल है प्री फ्रंटल है सेवन के नीचे सब कुछ अनकॉन्शियस है इनवॉलेंटरी है तो स्लीप में टॉप थ्री फ्लोर्स का लाइट बंद है ठीक hmm. है तो टॉप थ्री इन द बॉटम सेवन फ्लोर्स मेडिटेशन में ऐसा नहीं है मेडिटेशन में टॉप थ्री फ्लोर्स का लाइट ऑन है वहाँ पे थॉट्स आर गोइंग ऑन बट नीचे का जो लाइट्स है उसको हम लोग डिम कर रहे हैं सो दैट इज बिग डिफरेंस बिकॉज एट नो अदर स्टेट पूरे दिन में आर यू एबल टू रिलैक्स योर लिम्बिक सिस्टम एट नो अदर टाइम आर यू एबल टू काम डाउन योर अटेंशन आर यू एबल टू काम डाउन योर एंगजाइटी

ऑन द वे टू मोक्ष ऑन द वे टू फाइंडिंग गॉड आपको सिद्धिज मिल जाएंगी ज्यादा, फोक, ज्यादा फोकस सुपर पावर ज्यादा फोकस कोई भी चीज से नहीं डरना मान लो अगर आपको भूतों से डर है और आप रात को अकेले सो नहीं पाते सनियो फीवर भी चला जाता है ये सब सिद्धियां होती हैं है। पर कहा जाता है कि गोल एक ही चीज है फाइंड गॉड पर उस गोल को हासिल करने में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ईगो है कि यार मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं मेरी वजह से मैंने ये सारे पैसे कमा लिए अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो ये माना कि ये देखो गाना मैंने लिख दिया कितना अच्छा गाना है ये फिल्म मैंने बना दी इतनी अच्छी फिल्म है ये जो सक्सेस मुझे मिले मेरे चेहरे मेरी एक्टिंग की वजह से मिला है ये ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है उस जर्नी में इसके पीछे साइंस क्या है और कहते हैं कि जब आपका ईगो एकदम खत्म हो जाएगा तब आपको मोक्ष मिल जाएगा तब आप एक्चुअली भगवान के साथ जुड़ जाते हैं आई लव दिस क्वेश्चन ऐसे सोचते हैं आपका आइडेंटिटी कहाँ से आ रहा है आपका आइडेंटिटी आपके मेमोरी से आ रहा है यू आर अ कलेक्शन ऑफ योर मेमोरीज, राइट अगर आपका मेमोरी सारे चले गए तो आपको पता नहीं आप कौन हो आपका पे स्टोर होता है लिम्बिक सिस्टम में ठीक में, में, है हर बार आपका आइडेंटिटी कन्फर्म होता है कहीं से भी जिसको हम वैलिडेशन कहते हैं आपको खुशी मिलती है सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं कुछ नहीं मिरर में खुद का चेहरा देख लिया और बाल अच्छे दिख रहे हैं अच्छे लग रहे चेहरा बस कॉन्वर्सली आइडेंटिटी में कुछ अच्छा नहीं लगा बहुत बुरा लगता है बाल अगर अच्छा नहीं है इफ यू हैव बॉडी आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स इफ़ यू फील लाइक अरे मैं थोड़ा मोटा हो गया हो अरे मेरा शर्ट अच्छा नहीं है उतना ही बुरा भी लगता है बिकॉज वो बुरा लगना भी लिम्बिक सिस्टम से आ रहा है तो आइडेंटिटी के साथ जो भी खुशी मिलती है आइडेंटिटी के साथ जो भी दुख मिलता है सब कुछ लिम्बिक सिस्टम से ही है यह सारा कलेक्शन को एक साथ जोड़ के हम लोग ईगो कहते हैं मेरे पर्सनल आइडेंटिटी के रिलेटेड जो भी हो इट इज ईगो इट इज फ्रॉम द लिम्बिक मेडिटेशन क्या करता है डिटैच करता है प्री फ्रंटल को लिम्बिक से साइंटिफिकली प्रूव साइंटिफिकली इन द सेंस your limbic activation reduces, okay, right? So your amygdala activation reduces and your there is something called a self-referential network. Basically आपकी ब्रेन में basically एक, में बेसिकली एक पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है और जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फोकस्ड है मतलब हाँ, वो एक्टिवेट होता है। आर वेज सी ब्रेन में कौन सा, एरियास काम कर रहा है, कौन सा एरियास कम काम कर, और रहा जब कोई कर रहा होता है, तब की कम होती है और लिम्बिक सिस्टम हाँ, तो के अंदर मल्टीपल एरियाज बट उसमें अमिटला का स्पेसिफिकली एक्टिवेशन कम होता है levels, uh, are areas, मतलब मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ ओके okay. तो वो का एक्टिविटी देखने से पता चलता है कि हम लोग का जो डिटैचमेंट है दैट कीप्स क्योंकि मैं खुद को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ इन नोइंग दैट आई एम सिद्धार्थ वर्सेस लुकिंग एट दिस पर्सन हु इज सिद्धार्थ ये हिंदी में थोड़ा समझा दे मुश्किल है हिंदी में मतलब okay. मैं कह पाऊंगा आप खुद के बारे में सोच रहे हो एज अ आए, मैं okay. मैं कौन मैं कौन एक एक देता हूं, आप बोलो अगर कर मैच करता ठीक है, है। एक बार किसी ने शाहरुख खान को पूछा था कि आप खुश कैसे रहते हो इतने प्रेशर के साथ हुँ. उन्होंने कहा कि यार मैं शाहरुख तो हूँ पर मैं एक इंसान हूँ जिसका नाम है शाहरुख जो ब्रांड शाहरुख खान के लिए काम कर रहा है yeah. शायद ये एक सिमिलर एग्जाम्पल तो ये ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि आप रणवीर हो बट रणवीर अलाबादिया एज अ डिफरेंट पर्सन राइट सो आपका वो डिटेचमेंट आ जाता है कि मैं वर्सेस द ब्रांड अभी तो ब्रांड की बात है, बट एवरी सिंगल पर्सन इज अ ब्रांड इन देयर ओन हेड दैट इज द टेक होम मैसेज सबके दिमाग में वो खुद का एक ब्रांड है कि मैं कौन हूं मेरा सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरा पर्सनैलिटी क्या है मेरा लाइक्स एंड डिसक्स क्या है और उसको अगर बहुत पर्सनली ले लिया और कोई डिस्टेंस नहीं है मेरे और मेरे ब्रांड से तो जो भी मेरे ब्रांड को इंसल्ट कर रहा है वो मुझे इंसल्ट कर रहा है जो भी मेरे ब्रांड को प्रेस कर रहा है वो मुझे प्रेस कर रहा है और मैं और मेरा ब्रांड अगर सेम हो गए तो फिर ब्रांड कैंसिल हो सकता है तो मतलब मैं भी कैंसिल हो सकता हूं तो वो थ्रेट बन जाता है मेडिटेशन से मैं और मेरा ब्रांड के बीच में डिस्टेंस आ जाता है वेर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बॉडी एज डिफरेंट इट इज नॉट मी इट इज माई इट इज अ हार्ट इट इज अंड इट इज अ लेग इट इज अ फेस इट इज अम बट नॉट मी आपकी एक टी शर्ट की तरह होती है आपकी बॉडी करेक्ट तो दिस इज वॉट दे से राइट एंड ये री इनकारनेशन पे भी एक डिस्कशन हो जाता है इसी में दट द बॉडी कम्स बॉडी गोज बट आई एम सेपरेट तो वो डिटैचमेंट आता है बिकॉज मेरे वो जो आइडेंटिटी है वो लिम्बिक सिस्टम से है प्रीफ्रंटल का खुद का आइडेंटिटी नहीं है प्रीफ्रंटल का काम है लिम्बिक में जो भी बन रहा है उसको आप पैकेज करके एक स्टोरी बनाओ दैट इज व्हाट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज डूइंग और मेडिटेशन से वो हम स्टोरी को खोल रहे हैं बिहाइंड द सीन्स जा रहे बिहाइंड द सीन्स जा रहे हैं एक फाइनल सेगमेंट है yeah. आ, इस पॉडकास्ट को लेके mm -hmm. आपको क्या लगता है मोक्ष के मोमेंट में हमने ईगो की इतनी सारी बातें कर ली तो जब आदि योगी को शिवा प्राप्त हुए अभी शिवा क्या होता है एनलाइटनमेंट के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता भगवान को पता है और जिन लोगों ने शिवा को प्राप्त किया है बुद्ध भगवान को पता है नुँ। नुँ। जो भी जिन लोगों को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई है उन्हें ये चीजें पता पर एटलीस्ट वी कैन गेस अबाउट वॉट हैपन करेक्ट साइंस के थ्रू Hmm. कि उस मोमेंट तक पहुंचने में ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू यू साइंटिफिकली स्पीकिंग आपने कहा लिम्बिक सिस्टम शायद पूरे पूरी तरह से डिटैच हो जाता है और आपकी सेंस ऑफ ईगो एंड आइडेंटिटी की ये मेरी बॉडी है, right. है, है, है ये मेरे नीड्स है मुझे भूख लगी है मेरे मेमरीज है ये मेरे माता ये मेरे पिता है वो सब चीजें मिट जाती है ऐसा आपको अवेयरनेस होता है कि हाँ ये सब चीजें हैं पर यार अभी ये सब भी है सो so, मैंने मोक्ष के बारे में बहुत सोचा है भगवत गीता पढ़ने के बाद भी मैंने सोचा है द ट्रूथ इज दैट आई डोंट नो डेथ के बाद क्या होता है ऑल दैट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम भगवत गीता एंड फ्रॉम न्यूरो साइंस इज दैट देर इज ऑल आवर बायो केमिकल एनर्जी इज होल्डिंग आवर बॉडी टूगैदर ठीक है आवर सेल्स हमारे ऑर्गन हार्ट लिवर किडनी ब्लड सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ आर बायोकेमिकल एनर्जी हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से ऑल दैट एनर्जी इज होल्डिंग अस टूगेदर एंड दैट सर्कल ऑफ एनर्जी वैन यू नो इन भगवदगीता इट से दैट एवरीथिंग इज री इनकारनेटेड एवरीथिंग गोज फ्राम वन टू अनादर एक से एक होता है इट इज़ ऑल कमिंग फ्राम द सन एंड ये लिखा होता है भगवदगीता में भी है कि इट पूरा यूनिवर्स इज कमिंग इन फ्राम वन टू दू दर सो वेन यू से डेथ डेथ इज बेसिकली डिजइंटिग्रेटिंग ऑफ दैट एनर्जी इन टू अ लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी तो वेन वी डाई नॉट ऑल अवर ऑर्गन्स डाईट द सेम टाइम तो आप जब मरते हो तो आपका किडनी और आपका लिवर और आपका बोन एक टाइम पे नहीं मरते उसमें से सेल्स होते हैं जो अभी भी जिंदा है एक्सेप्ट दैट वो सेल्स अभी दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ठीक hmm. है so if you think about ranveer alabadia brand the brand is composed of 15 team members right if the brand dies those 15 team members are now no longer talking to each other but they are still alive it is similar to when we die all our cells stop talking to each other but they are still alive so for me death is going one level down द एनर्जी लेवल और इवन एनर्जी भी नहीं बोलेंगे तो मतलब यू आर अलाइव एक बार वो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया तो यू आर नॉट अलाइव यू आर लेस अलाइव सो मोक्ष का कॉन्सेप्ट मुझे बायोलॉजी के साथ अभी तक वो आ, क्लियर नहीं हुआ है मुझे वो क्लैरिटी नहीं आया है अभी तक बट डेथ का काउजेंड अभी 2022 जुलाई जून 2022 दिस इज इज माय ऑफ व्हाट डेथ कहते टू hmm. कि एनलाइटनमेंट फील्स लाइक जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है वो एक जैसा लगने लगता है hmm. आपकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है कनेक्टेड कोई थियरी हो सकती है एब्सोल्यूटली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली हाउ डू यू नो दैट योर आर्म एंड आप जब बोलते हो कि यू आर यू आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बनता है आपके बॉडी का कि मेरे हाथ यहाँ है मेरे पैर वहाँ है करेक्ट तो यहाँ तक मैं हूँ लेकिन ये माइक मैं नहीं हूँ करेक्ट ऐसे आप क्यों बोल रहे हो बिकॉज आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बना हुआ है कि यहाँ तक है मेरा हाथ बट सपोज आप टेनिस प्लेयर हो प्रो टेनिस प्लेयर हो रॉजर फेडरर खेल रहा है उसके लिए उसका बॉडी एक्सटेंड होता है रैकेट को इंक्लूड करना तो वाइल ही इज प्लेइंग दैट रैकेट इज अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी उसको सोचना नहीं पड़ता कि मेरा उंगली रैकेट को पकड़ रहा है वो रैकेट बॉडी का पार्ट हो जाता है तो दैट इज हाउ योर ब्रेन कैलकुलेट्स की बॉल अगर दो मीटर दूर है तो मुझे हाथ इतना स्ट्रेच करना है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि रैकेट और एक मीटर आगे है तो आवर बॉडी आवर ब्रेन इज केपेबल ऑफ एक्सटेंडिंग आवर आइडेंटिटी आउटसाइड आवर बॉडी बेसिकली आपकी आइडेंटिटी आपके डायमेंशन होते हैं तो जब कोई कहते कि शिवा इज द डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग शायद ये शिवा डायमेंशन यही है hmm. कि आप रियलिटी को शायद कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि पूरी दुनिया आपका रैकेट बन जाता है ब्रिलियंट और और अगर आप में ईगो आ गया कि नहीं अभी तो मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता अब मैं इस माया को कंट्रोल कर सकता हूँ hmm. फिर आपका ईगो फिर से स्वेल हो जाता है तो लेट्स टॉक अप द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज आई लाइक दैट मोर जस्ट लाइक रॉजर फेडर कंट्रोल द रैकेट एंड ही फील्स दैट ये रैकेट मेरा ही पार्ट है सपोज हाइपोथेटिकली आपको वो लेवल ऑफ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग आ गया पूरे दुनिया के साथ माया के साथ हा विथ ऑल ऑफ रियालिटी यू नाउ अंडरस्टैंड दिस माइक एवरीथिंग एट अ ब्रेन लेवल एट अ सेल्यूलर लेवल नाउ वेर डू आई एंड एंड वेयर डिस टेबल बिगिन वेर डज द कार्पेट बिगिन इफ एवरीथिंग इज मैप्ड इन माई ब्रेन थियोरटिकली हुए आई आई एम एवरीथिंग आई एम एवरी वन सो फोर मी दिस इज द क्लोजेस्ट वे दैट यू कैन कनेक्ट न्यूरोसाइंस विथ singularity जो बोलते हैं ना uh, स, हम सब एक है this is how you can probably do it शायद हमारे ब्रेन में कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें पीछे खींच रहा होगा या जैसे गेम्स में अनलॉकेबल्स होते हैं कोई लॉक्ड सिस्टम है राइट right. और वो लॉक सिस्टम शायद खुल जाता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के, के, it के is साथ मेडिटेशन के इट इज पॉसिबल हाँ क्योंकि हमारा ब्रेन का मेन फंक्शन है खुद को बचाना दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट मैं यहां खत्म होता हूँ और आप वहाँ से शुरू होते हो बिकॉज हु नोज यू माईट कम टू अटैक मी तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल तो दैट इज वाई आई नीड अ वेरी क्लियर बाउंड्री सब कुछ फियर से ही आता है यू नो वट विस साइड पहले शिवा फियर ऑफ डेथ एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम देयर द ओनली रीजन आई एम अफ्रेड ऑफ इंक्लूडिंग यू इन माई आइडेंटिटी वॉट इव यू हर्ट मी सपोज आई हैव नो फियर आई हैव नो फियर ऑफ दैट है नाउ दिस होल वर्ल्ड कुड बी मी क्योंकि आई दिस बॉडी नाउ बिकम्स मीनिंग बिकॉज ऑल द बॉडी वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ मी तो इफ दिस बॉडी गोज ऑल्सो क्या फर्क पड़ता है बट दिस इज वन थिंग टू से थिंग टू एक्चुअली बी एट दैट लेवल ये इंटेलेक्चुअल बात हम लोग कर रहे हैं बट इफ समी कम्स एंड प्रिक्स माई हैंड आई विल फील पेन एंड आई विल फील एंग्री बिकॉज माई लिंबिक सिस्टमिलेक ओवर बिकॉज माई प्री हैज़ नॉट रीच्ड वो लेवल तक नहीं है कि हम सब एक है एंड hmm. uh, में डेंजरसली uh, uh -huh. मैं साइंटिफिक कॉन्वर्सेशन में एक लास्ट बिट ऑफ फिलोसफी लाना चाहूँगा okay. uh, ये मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा था और कहते हैं कि जो भी साइंस हम गेस्ट करते हैं जो भी रियालिटीज हम गेस्ट करते हैं वो सब फिलासफीज होती है पर उस किताब में और जितने भी स्परिचुअल किताबें मैंने पढ़ी है uh, यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो मानव वाली लाइफ हम जी रहे हैं मनुष्य वाली लाइफ जी रहे हैं ये टेम्पररी है वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसिस वी आर स्पिरिचुअल बींगस हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसिस वी आर स्पिरिचुअल बींगस हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसिस इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर जो सोल है जो आत्मा है वही जिंदा है हमें इस बॉडी में रहकर शायद स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना और पूरा प्रोग्रेस पाने के बाद शायद इस धरती पर मोक्ष पाने के बाद शायद हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे शायद नहीं पर हम डेफिनेटली एक हायर बीइंग में इवॉल्व होते हैं right. ये वो फिलॉसफी है जो हर बुक में लिखा ये वो फिलॉसफी है जिसकी मेंशन हर बुक में है right. जिसे लोग एस्ट्रल बीइंग कहते हैं या हायर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एटसेट्रा एटसेट्राट्राइट शिवा डायमेंशन right. तो आई डोंट नो ये शायद मेरे अकॉर्डिंग लाइफ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए इफ नॉट फॉर देन एटलीस्ट फॉर करियर प्रोग्रेस एटलीस्ट फॉर योर ओन शांति Yeah. क्योंकि जितनी ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हो जितना कम आपका ईगो होते जा रहा है उतनी ज्यादा शांति आपके दिमाग को प्राप्त होती है और जितनी ज्यादा शांति आपके दिमाग में होती है उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ में होती है उतनी उतना ज्यादा फोकस आपका हो जाता है पॉडकास्ट okay. मैंने, मैंने एक नोटिस किया था कि ये मेरे पढ़ाई के टाइम पे नोटिस किया था कि अगर आपको एक लेवल डिफिकल्टी तक पढ़ाई करना है सपोज यू गो डाउन टू मोर लेवल्स एंड देन यू कम बैक फर्स्ट लेवल लुक्स वेरी इजी ना हमेशा होता है सो डोंट स्टॉप एट योर लिमिट ट्राई एंड गो और डोंट स्टॉप एट योर रिक्वायरमेंट ट्राई टू गो टू स्टेप डीपर सो नाउ द रिक्वायर्ड लेवल बिकम्स वेरी इजी मे बी स्पिरिचुअलिटी डज दैट फॉर यू अगर आप उस लेवल तक गए कि दिस बॉडी इज नॉट माइंड माई माइंड इज फ्री टू बी वट एवर आई वॉन्ट एंड नाउ यू कम बैक टू योर एवरी डे प्रॉब्लम

तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों डॉक्टर सिड वॉरियर हमारे एक ऑल स्टार है और इस एपिसोड में आपको पता चला कि वो क्यों ऑल स्टार है ये बताइए कि इनके साथ हमें और कैसे वीडियोस बनाने चाहिए हिंदी चैनल पर इनके साथ बहुत बढ़िया इंग्लिश वीडियोस भी बनाए हैं तो उन्हें भी जाके देखिए अगर आपका इंटरेस्ट न्यूरो साइंस में है और अगर आपका इंटरेस्ट है एवोल्यूशन में ब्रेन पावर बढ़ाने में स्मार्टनेस बढ़ाने में मेमरी बढ़ाने में और जस्ट पर्स्पेक्टिव बढ़ाने में डेफ़िनेटली ये लेवल सुपर माइंड को डाउनलोड कीजिए लिंक्स नीचे पेस्ट किए गए हैं चेक इट आउट फ्री ट्रायल है सारे रणवीर अलाबादया सब्सक्राइबर्स के लिए अगर आप अच्छी नहीं लगी डोंट पे फॉर द पेड वर्जन पर आई प्रोमिस यू कि अगर आपने डिसिप्लिन के साथ इस ऐप का फ़ायदा उठाया आपको मेडिटेशन का सही तरीका पता चलेगा और आपको अपने दिमाग में चेंजेस बहुत जल्द दिखेंगे मैंने खुद भी मेडिटेशन कोर्स वहाँ रिकॉर्ड करके रखा है आपके लिए मेरे थ्रू आपको कोचिंग मिलेगी आई होप यू एन्जॉय दी ऐप एंड आई होप कि इस एपिसोड को आपने एन्जॉय किया हो हमें टॉपिक सजेशंस दीजिए नीचे कमेंट करें टी आर एस हिंदी विल बी बैक सोन लॉट्स ऑफ लव